कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं। प्रथमेश, गोल्ड पर क्या व्यू है अभी आपका? गोल्ड में तेजी आ गई है, ये तेजी आज और बढ़ जाएगी? मिथुन जी, मेरे ख्याल से ये 32-150 के आसपास अगर आप अपनी पोजीशन बना लेते हो बाइंग साइड में, तो मेरे ख्याल से आपको मोमेंटम अच्छा मिल सकता है 32-450 तक के टारगेट्स के लिए, तो बाइंग साइड में रहना एडवाइजेबल है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग साइड में रहना एडवाइजेबल है, तो आप खरीद कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट क्या रखें ध्यान में? मेरे ख्याल से 32600, 32550 के रेंज में आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन्स है, तो अगर आप पोजिशनली लेना चाहते हैं तो इसमें ना ले, बिकॉज 32500 के आसपास जो गोल्ड के लिए बायर्स और टेकर्स है दैट इज लेस ऑन द फिजिकल साइड, सो इन दैट सेंस रैली जो है वो ज्यादा ऊपर लेवल तक सस्टेन नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल से अगर आप ये मूव खेलना चाहते हैं तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ना करें। अगला सवाल है संजय का, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए संजय। सर इंदौर से बात कर रहा था मैं। जी संजय भाई पूछिए। मैं गोल्ड के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन मेटल का मार्केट आगे आपको कैसा दिख रहा है प्रथमेश, और कोई एक काउंटर मेटल में जो आपको लगता हो कि अभी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा खासा पोटेंशियल है? नितिन जी, मेरे ख्याल से चाइना की तरफ से जो भी स्टेप्स ले जा रहे हैं लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, उसी के कारण आपको पॉजिटिव मोमेंटम आया है, बट यहां से ये रैली सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, बट फिर भी अगर मैं बैट करूंगा तो कॉपर मुझे काफी अच्छा दिखता है, तो मेरे ख्याल से कॉपर में पॉसिबिलिटी है 431 तक के लिए, फिलहाल एक काउंटर चल रहा है 422 के आसपास, तो आप इसी लेवल के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 417 के लिए, तो कॉपर में बाइंग बनता है। तो आप कह रहे हैं कॉपर खरीद कर चले, अभी मार्केट 422 के आसपास है, क्या टारगेट दिया है सर आपने? 431-432 के आसपास। कब तक के लिए है ये? मेरे ख्याल से दो ट्रेडिंग सेशंस, दो से तीन ट्रेडिंग सेशंस पॉसिबल है, आप कह रहे हैं शाम में आपको अगर शाम में पॉसिबिलिटी है 428-429 पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, तो अभी खरीद ले बिल्कुल इसी रेट पर 424 के ऊपर अगर रहता है तो खरीदें। अच्छा, 424 के ऊपर जाए, समझ लीजिए आप प्रथमेश कह रहे हैं कि 424 के ऊपर भाव जाए तो आप तुरंत खरीदिए, 428 पर आज आपको 428 का भाव मिल जाएगा, या अगर आप एक से दो दिन वेट कर सकते हैं तो आपको 431 या 432 का भाव भी मिल सकता है, ये राय आपके लिए कॉपर पर। अगला सवाल है महेंद्र सिंह राठौर का, इंदौर से हैं हमारे साथ, पूछिए राठौर साहब। मैं तुम्हें सर गुड इवनिंग पूछिए सर, मेरा सवाल सोयाबीन पे था सर। हाँ पूछिए सोयाबीन पर। मेरे पास करीब 600 क्विंटल सोयाबीन पड़ी है पिछले 3.5 साल से। अच्छा, तो मैं 3425 में खरीदी थी, बट उसका जो है 3 साल का वेट लॉस भी हुआ है, और जो है वगैरह उसका रेंट वगैरह जो भी। ठीक बात है, तो बताइए हिमांशु जी, 600 क्विंटल सोयाबीन का इनका स्टॉक है, हालांकि हाल के दिनों में दाम बढ़े हैं, लेकिन आज मार्केट में तेज गिरावट भी आई है, तो क्या अभी इनको वेट करना चाहिए, इसे करेक्शन माना जाए, या फिर आपको लगता है कि अब यहां से क्या मूव अभी आप देख रहे हैं? आई थिंक फर्स्ट एडवाइस ये कि इस कमोडिटी को ट्रेड ना करें, सेकंड एडवाइस ये है अगर कमोडिटी को ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस लगाए, थर्ड एडवाइस ये है कि ये काफी शांत है पूरे दिन में, आज ट्रेडिंग सेशन में 221-222 के आसपास, तो ऐसे शांत बाजार नेचुरल गैस रहता है, तो एक्सपेक्टेड है कि शाम वाले सेशन में पॉसिबल वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, अगर वोलेटिलिटी को खेलना चाहते हैं तो 220 के आसपास सपोर्ट जोन्स है जहां से पॉसिबल रिकवरी आ सकती है 220-229 तक के लिए, तो मेरे ख्याल से इस मूव को खेलना चाहते हो तो खेले, बट स्ट्रिक्ट एडवाइस रहेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले, और स्टॉप लॉस रहेगा आपको 216 तक के लिए, जो 4 रुपए का स्टॉप लॉस है आपके टारगेट से करीब 8 रुपीज का, तो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना एडवाइजेबल है। ठीक है, तो ये हालांकि काफी वोलेटाइल काउंटर है, बिल्कुल ठीक कहा प्रथमेश ने कि अगर आपको ट्रेंड थोड़ा सा भी समझ में ना आए तो बिल्कुल इस काउंटर से अभी दूर रहना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये मार्केट ये काउंटर काफी वोलेटाइल है और कभी भी मार्केट में एक तरफा तेजी या मंदी आपको दिख सकती है। चलिए कॉल प्रथमेश, कोइंसिडेंटली मेरा भी रैपिड क्रूड में ही है और एक्जैक्टली सेम लेवल है 3850 का, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डिफर है 3920 का है, 3920 और टारगेट नीचे 3750 के लिए। चलिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों कच्चे तेल में सेल में है। आपकी आखिरी कॉल हिमांशु जी आपका, और प्रथमेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।
बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, लेकिन बजट का वक्त है तो हमारी ये कोशिश है कि आपको बजट से जुड़ी हुई जितनी भी शब्दावली है जो थोड़ा कठिन है उसको आसान भाषा में आपको समझाएं। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी सिलसिले में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, और जो आपको समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल।